45 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति कारोबारी हुआ गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग की पुलिस ने शराब के साथ धर दबोचा, जिसे एक्साइज विभाग दरभंगा के हाजत में बंद कर दिया गया है। एक्साइज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटलवाड़ी निवासी राजेंद्र कामत के पुत्र दीपक कुमार को शराब कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को एक्साइज विभाग की पुलिस ने गुरुवार को 5 पेटी बंद 45 लीटर शराब के साथ रंगो हाथों धर दबोचा, जिसे शनिवार को गिरफ्तार कर एक्साइज विभाग की हाजत में लाकर बंद कर दिया गया, जहां से जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। शराब कारोबारी के मामले में पकड़ा गए आरोपी पिछले कई दिनों से शराब कारोबार में लिप्त थे, लेकिन शनिवार को आखिरकार यह शराब कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शराब कारोबारी करने के मामले में पकड़े गए आरोपी दीपक कुमार से बात किया तो हमें उन्होंने बताया कि शराब के इस कारोबार के धंधे में पिछले 5 दिनों से वो संलिप्त है और शराब के बारे में भी स्वीकार किया, शराब मेरा है और क्या कुछ उनका कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अगर आप अपने घर से मार्केट के लिए निकले हैं तो अपना हेलमेट, मास्क एवं गाड़ी से संबंधित सभी कागजात को पहले चेक कर लें, वरना बाजार जाना पड़ेगा आपको महंगा। हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों से लगातार शहरों में चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रत्येक चौक चौराहे पे पुलिसकर्मी दिखते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो हेलमेट, मास्क एवं गाड़ी संबंधित सभी कागजात को अप टू डेट कर ले, वरना आपको भरना पड़ जाएगा जुर्माना। देखिए लहरिया सराय से हमारे संवाददाता नीरज कुमार का ये रिपोर्ट। हम लोग बढ़िया पदाधिकारी का आदेश है। अच्छा, कहाँ तक का अभी तक कितने सारी गश्ती है? अच्छा, अभी थाना अभी तक फिलहाल कितना चलान कट चुका है? अभी कट रहा है, हटना कट रहा है, हम लोग को भेजना है लहरिया से थाना। अच्छा, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार दरभंगा में दरभंगा शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर माननीय विधायक संजय सराबगी की उपस्थिति में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। माननीय नगर विधायक द्वारा अनुरोध किया गया कि शहरी क्षेत्र के बड़े बड़े नाले जिनका लिंक कमला नदी से है, उनकी सफाई जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराने हेतु सरकार से अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जिन नालों की सफाई का काम किया जा रहा है उसे लगातार जारी रखा जाए। जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराए जा रहे नाला उगाही कार्य को अतिक्रमण के साथ उत्पन्न कठिनाई के अवगत कराते हुए कार्यकारी एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अतिक्रमण खाली करवाने का निर्देश दिया गया। सफाई कार्य में बिजली के तार से हो रही कठिनाई को भी ठीक करवाने की बिजली विभाग को निर्देशित किया गया। दरभंगा नगर निगम के कामों का पर्दाफाश करते हुए पूर्व पार्षद सह पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान ने शनिवार को दरभंगा नगर निगम सफाई गैंग लेबर जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ नगर निगम के पदाधिकारियों और कर्मी वार्ड 19 में सफाई करने पहुंचे। मौके पर पहले से मौजूद पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान एवं कई दुकानदार मौजूद थे। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नाले एवं स्लैब उठाकर सफाई करने में पूरे तौर पर सहयोग दे रहे थे। बताते चले वार्ड 29 से होकर 4 वार्डों का पानी गुजरती है, अगर नाले की सफाई समय से ना हो पाती तो आज खान चौक से लेकर उर्दू बाजार जाने वाली चौक मिलान चौक के आसपास पानी लगा रहता, जिससे हर घर में बारिश का पानी घुसने की संभावना बनी हुई थी। डॉक्टर मुन्ना खान उग्र आंदोलन की चेतावनी पूर्व में ही नगर निगम को दे दी थी। तब खान चौक पर 30 HP का एक पंप और 10 HP का एक पंप लगाकर पानी को पंप आउट किया जाने लगा। पूर्व पार्षद मुन्ना खान का कहने लगे कि परमानेंट सलूशन यह नहीं है, जब तक के नाले का सही और गहराई से सफाई नहीं होगी तब तक जल जमाव की स्थिति बनी रहेगी। इसी बीच आज नगर निगम को होश में आया है और नाले की सफाई करने दलबल के साथ पहुँचे। सफाई कर्मियों को काम करते देख पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान गुस्से में आ गए और खुद नाली के अंदर जाकर नाली की सफाई करने की कवायद शुरू कर दी। इसके साथ साथ सफाई कर्मियों को फटकार भी लगाया गया, तब जाकर नाले की सफाई अच्छी तरह से शुरू हो पाई।
बड़ी बात है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। टैक्स नहीं करें, अगर नगर निगम में कोई टैक्स वसूलने आता है तो उससे सवाल करें कि मैं आपकी चीज को पूरा कॉलम बना हुआ है कि पानी का पैसा, जमीन का पैसा, खाली सिर्फ खाली जमीन का पैसा ले रहे हैं। शर्म नहीं आता नगर निगम को कि क्या हो रहा है, ये हाल है। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दे। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।